अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे हाउ टू फाइंड एंड ऐड टैग्स फॉर योर फाइवर गिग, मतलब कि हम सर्च टैग कैसे ढूंढें। ये देखें, सर्च टैग हैं। टैग का मतलब होता है यानी कि कोई भी सर्च करे, जैसा कि अगर आप अपनी गिग जो है ये लगा रहे हैं वेबसाइट के लिए, तो कोई वेबसाइट सर्च करे तो आपके गिग आए, मतलब कोई क्या सर्च करे और कोई आपको कैसे ढूँढे, ये अपने काम के लिए लगाने होती हैं। ठीक है, इसके तकरीबन ये दो तरीके होते हैं, दोनों ही आसान हैं। सबसे पहला तरीका तो मैं बता दूं कि क्या होता है टैग। ये देखें, टैग होता है एक वर्ड, आप समझ लीजिए जैसा कि मैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाता हूं, तो कोई अगर मुझे ऑर्डर देना चाहे और वेबसाइट बनवाना चाहे तो वो यहां पर लिखे वर्डप्रेस वेबसाइट, तो मेरी गिग यहां पर आ जाए और वो मुझे रब्ता कर ले और अपना काम दे दे। तो सबसे पहला तरीका वो शुरू होता है फाइवर की, यहीं से मतलब सर्च से। इसका ये होगा कि आपने अपना कीवर्ड, जैसा कि अगर आपका कीवर्ड वर्डप्रेस वेबसाइट है तो वो लिखें, यूट्यूब है तो वो लिखें, ट्रांसलेशन है तो वो लिखें, फेसबुक है तो वो लिखें, ट्विटर है तो वो लिखें, जो भी है वो आपने लिखना है। और उसके बाद ये देखें सिंपल स्पेस करना है तो वो आपको सर्च टैग देगा। ये तकरीबन ज़्यादा 5 लगा सकते हैं, तो 5 यहीं से पूरे हो जाएंगे। ये देखें, पहला टैग हमें मिल रहा है वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, उसके बाद दूसरा वर्डप्रेस वेबसाइट, तीसरा वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, फिर वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिज़ाइन, फिर इस तरीके से मॉडर्न वेबसाइट स्पीड और बिजनेस। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे आप अपना कीवर्ड जो है वो बिजनेस भी लगा सकते हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी कि ये पहला तरीका कैसे हमने टैग ढूंढने हैं। अपने टैग को फाइवर की सर्च बॉक्स में लिखें और स्पेस दें तो वो आपको हर चीज़ सामने कर देगा कि ये वाले मतलब सर्च हो रहे हैं यहाँ पर। और अब हम चलते हैं दूसरे तरीके की जानिब। वो तरीका यही है कि आपने अपना कीवर्ड लिखना है, फिर यहाँ से कोई सी भी 2 या 3 गिग ओपन करनी है। गिग में जाने के बाद सीधा आपने उसके रिव्यू पर क्लिक करनी है और स्क्रॉल डाउन करते करते आपको आखिर में उसके रिलेटेड टैग मिल जाएंगे जो उसने अपनी गिग के लिए लगाए होंगे। जितनी अच्छी आप ढूंढेंगे, मतलब कि बहुत अच्छी ये वेबसाइट है, ठीक है, सॉरी बहुत अच्छी ये है गिग, तो उसके रिलेटेड टैग। ये देखें, ये गिग है, मैं भी अपनी गिग लगा हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, तो ये भी उसके रिलेटेड है। इसके टैग हैं वर्डप्रेस हेल्प, बिल्ड वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट एंड बिजनेस वेबसाइट। तो पहला एक था मेरा टैग, एक तो मेरा बन गया बिजनेस वेबसाइट, वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट। ये 3 तो मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर दूँगा, या फिर यहाँ पर ला करके आप सिंपली कॉमा पेस्ट करें तो वो हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दे सकते हैं। चले हम अब अपने टैग देते हैं, जैसा कि हम इसी को कॉपी करते हैं, क्लिक मारें और यहाँ से इसे करें। अगर ये ऐसे कॉपी नहीं होता तो आप अपने हाथ से कर सकते हैं, ऐसे करें, यहाँ से कॉपी हो गया। अब इधर जाएं, यहाँ पर जाकर के हमने इसे पेस्ट करना होगा। ये देखें, यहाँ पे बिजनेस वेबसाइट हमारा पहला टैग आ गया। इस तरीके से आपने सारे टैग जो है ना वो यहाँ से लगा लेने हैं। ये देखें, अब हम वर्डप्रेस डिज़ाइन इसको भी यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। दूसरा टैग, तो ये देखें अब हमारे सारे टैग लग चुके हैं। ये देखें 5 के 5 टैग हो गए, एक मैंने यहाँ से भी लिया है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। यहाँ पे क्लिक करें और हमारा जो पहला सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक, तो ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें और अब हम चलते हैं अपने अगले सेशन की जानिब। ये वाला पहला सेशन जो कि है ओवरव्यू के हिसाब से कंप्लीट हो चुका है। अगला जो है प्राइसिंग का, उसमें सबसे पहले पैकेजेस आएंगे, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो वो सीखने के लिए जो आपके सामने वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें और जाएं वो सीखें। सेवन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें तो ये हमें जो एरर है वो दिखा रहा है। स्पेसिफिकेशन में, मतलब के जो हमारी गिग मेटा डेटा है उसमें अगर आप कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको करना पड़ेगा। हम बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से सेवन कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करते हैं तो फिर हमें बोल रहा है कि मेटा डेटा इज़ मिसिंग, मतलब कि कुछ और भी हम करें, एजुकेशन हम कर देंगे यहाँ पे। दोबारा से हम क्लिक करते हैं सेवन कंटिन्यू के बटन पे, यहाँ से हम गैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम जो है ना वो सेलेक्ट कर लेते हैं सोशल मीडिया या फेस के साथ यूट्यूब। इसके बाद सेवन कंटिन्यू के बटन पे आपने क्लिक करना होगा, थोड़ी देर वेट करना होगा। तो ये देखें आपकी गिग जो है वो सेव हो रही है। हमें एरर दिखा रहा है और कह रहा है कि ये आपका टैग बहुत बड़ा है, तो अगर आप बड़ा टैग लगाएंगे तो वो भी मुनासिब नहीं होगा। तो हम इसे कट कर देते हैं और यहाँ से वर्डप्रेस बिजनेस
या बिजनेस वेबसाइट हम लिख देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से जा कर के यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। बिजनेस वेबसाइट तो पहले से है, हम यहाँ पर कुछ और लिख देंगे जैसा कि सिंपल वर्डप्रेस। तो अब हमारी हर चीज़ ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब सेव हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें और हमारी हर चीज़ सेव हो गई है। ये देखें हमारा जो पहला है ओवरव्यू, उस पर ग्रीन टिक लग गया है। अब हम आगे चले जाएंगे, बस थोड़ी देर सेव हो लेने दें। सेव एंड कंटिन्यू हो गया है, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो थोड़ी सी ये देर यहाँ पर लेगा। अगर प्रॉब्लम आए तो आप यहां से भी इसको सेव कर सकते हैं। और अगली वीडियो में हम प्राइसिंग के बारे में सीखेंगे, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो आपके सामने जो वीडियो आ रही है उसके ऊपर क्लिक करें और जाएं वो सीखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।